हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं आज आपको बहुत ही इजी नवरात्र लुक करके दिखाऊंगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपना जो फेस है क्लीन कर लिया है, फेस वॉश करा है। अब मैं मॉइस्चराइजर लगाने जा रही हूँ ताकि जो मेरी स्किन है वो नरिश रहे। सो मैं निविया का जो है मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, दिस इज द निविया वन। देन आई एम यूजिंग द प्राइमर ऑफ बेनिफिट। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है दैट इट्स अ वेरी गुड प्राइमर, सो आई एम यूजिंग इट। बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में लेना है, जहां आपके पोर्स हों आपको वहीं अप्लाई करना है। देन आई एम अप्लाइंग द बायोटिक के लिप बाम, ताकि जो मेरे लिप्स हैं वो ड्राई ना हो। सो अब हम फाउंडेशन यूज करेंगे। आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बीच। सो आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। सो नाउ आई विल ब्लेंड विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर विच इज ऑफ ब्रॉन्जन ब्रांड। सो अब मैं इसको जो है ड्रैग नहीं करना, इसको टैप टैप करके इसको ब्लेंड करेंगे। नाउ आई एम यूजिंग द वेट एंड वाइल्ड लाइट मीडियम बीच कंसीलर शेड। सो मैं अभी ये अप्लाई कर रही हूं ताकि जो मेरे डार्क सर्कल्स है वो हाइड हो जाए। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं इसको ब्लेंड करूंगी। चाहे आपको 5 मिनट्स क्यों ना लगे या 2 मिनट्स क्यों ना लगे, आपको आराम से इसको डैप डैप करके ऐसे इसको एब्जॉर्ब करके जैसे बिठाना है, ताकि जो आपकी फाउंडेशन है वो ओवर ना लगे ना कंसीलर ओवर लगे। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में फटाफट ऐसे डैप डैप करके पार्टी में चले गए, नो, दिस इज नॉट द वे टू ब्लेंड। इसको आराम से आपको एकदम जीरो प्रेशर, एकदम लाइट हैंड से आपको इसको करना है। सो मेरी जो फाउंडेशन है कंसीलर है वो आराम से जो है बैठ के लाइंग द कॉम्पैक्ट। आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट इन द शेड 6। सो इससे मैं अपना आई मेकअप करूंगी, अपना जो है ट्रांसिशन शेड को मैं क्रिएट करूंगी। आई एम यूजिंग दिस लाइट पीच कलर, क्योंकि जो मेरी ड्रेस है वो पिंक कलर की है। सो आई एम यूजिंग दिस, मैं अपने इसको हल्का सा जो मैं ट्रांसिशन शेड कर रही हूं। देन मैं ब्यूटी ग्लेस के पैलेट में से ये पिंक शेड ले रही हूं, विच इज अ लाइट शेड। मैंने ये दो कलर को जो है मिक्स कर लिया है, लाइट एंड द एक शेड लाइट, एक शेड डार्क है उससे पिंक। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस पिंक कलर, आई एम अप्लाइंग दिस लाइट शिमरी शेड जो मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूं। हल्का सा आई बॉल तक ही लगाना है इसे हमें यहां तक, और फिर हमें इसको सेम, इसमें कलर है अभी भी पिंक इसलिए हम अप्लाएंगे, मुझे दोबारा लेने की नीड नहीं है। सो मैं इसको कलर को मर्ज कर रही हूं ताकि वो अलग से हार्श लाइंस ना दिखे। सेम मैंने पिंक से इसको ब्लेंड कर रही हूं एंड देन मैं इसके ऊपर शिमरी सा शेड लगा के अपने इसको पॉप अप करूंगी। सो मैंने दोनों में अपना जो है आई मेकअप कर लिया। अब मैं फिर से एक ब्रश की जो है अप्लाई करूं ताकि जो मेरी हार्श लाइंस है वो शो ना हो। सो मैं अप्लाइनर लगा रही हूं।
सो मैंने अपना जो लाइनर अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। कर दीजिए, इसको ड्रैग नहीं करना, एकदम आराम से करना है। यू कैन सी दिस, जितना भी जो ड्राई हो गया था लाइनर वो इसमें आ गया है। एंड मैंने एकदम ड्राई क्यू टिप लिया है, कोई इसमें मैंने क्लींजर नहीं अप्लाई किया। सो अब जो मेरा लाइनर भी लग गया, आई शेडो भी हो गया, जो है आईब्रो रह गया है, तो मैं इसको नाइका की ब्रो पेंसिल से कर रही हूँ इन द शेड बी विद चेस्टनट। नाउ आई एम अप्लाइंग द मस्कारा, दैट इज ऑफ फेसेस का मस्कारा। सो नाउ अप्लाइंग द ब्लशर, हाईलाइटर एंड द कंट्योरिंग। सो मैं तीनों जो स्टेप्स हैं वो बैक टू बैक करूंगी, पहले कंट्योरिंग करूंगी, देन ब्लशर एंड देन हाईलाइटर विद द शुगर पैलेट। नाउ आई एम अप्लाइंग द हाईलाइटर। Now I'm removing my lip balm. तो मैं अब ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, दैट इज द मेबलिन लिप अपग्रेडेशन पिंक वन। सो देखते हैं ये सूट होगा नहीं होगा। सो अब जो रहता है वो आउटफिट। सो आई एम चेंजिंग द आउटफिट एंड कमिंग बैक। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। ये मेरा आउटफिट था एंड मैंने उसके अकॉर्डिंग पिंक आई शेडो लुक किया है। सो आप देख सकते हैं, मैं क्लोजअप से दिखा सकती हूँ आपको। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए मैंने बहुत ही इजी आपको नवरात्रि लुक करके दिखाया। मेरी तरफ से आपको हैप्पी नवरात्रि। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।